वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम और कुछ नया सीखे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द अल्फाबेट। तो व्हाट आर अल्फाबेट, तो आज हम देखेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट्स क्या होते हैं? साउंड्स एंड लेटर्स। व्हेन वी टॉक वी स्पीक वर्ड्स। व्हाट आर वर्ड्स? मेड अप ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ साउंड स्पोकन विद द माउथ। वी हियर दिस साउंड्स टू अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड्स। सो स्पोकन वर्ड्स आर रियली साउंड्स। मतलब जो हम वर्ड्स स्पीक करते हैं, बोलते हैं, वो क्या होते हैं? साउंड्स होते हैं। बट ओनली स्पोकन वर्ड्स कैन नॉट डू, वी हैव टू राइट देम टू। खाली बोलने से तो काम नहीं चलता, हमें उन्हें लिखना भी पड़ता है। हाउ डू वी डू दैट? वी यूज सम साइंस टू राइट वर्ड्स। दीज साइंस स्टैंड फॉर साउंड्स। वी सी दीज साइंस विथ आवर आईज एंड रीड द रिटन वर्ड। दीज साइंस आर कॉल्ड लेटर्स। तो जो हम लिखते हैं क्या होते हैं? वो साइंस होते हैं लेटर्स। सो रिटन और प्रिंटेड वर्ड्स आर मेड अप ऑफ लेटर्स। द वर्ड बॉल, बी ए एल एल, इज मेड अप ऑफ लेटर बी ए एल एल। इट हैज फोर लेटर्स। व्हेन वी स्पीक द लेटर्स ऑफ अ वर्ड वी स्पेल इट। स्पेलिंग अ वर्ड मीन्स गिविंग द लेटर्स दैट मेक इट अप इन प्रॉपर ऑर्डर। वी नो दैट एवरी लैंग्वेज यूजेज अ सेट ऑफ लेटर्स। दिस सेट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट्स। सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड इट्स अल्फाबेट। So, in English language, we have 26 alphabets. In English language, we have 26 alphabets. This set of 26 letters used to write English is called the English alphabets. So let's see what are alphabets, 26 alphabets. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z or Z. These sets of 26 alphabets letters used to write English is called the English alphabets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 letters. So let's see the letters जो होते हैं English alphabets. This is the large form of letters, English letters. Let's see English letter written in the large form like this are called capital letters. These are capital letters. These are capital letters. Let's see the uses of capital letters. Use of capital. Written words in English are mostly made up of small letters. But in certain cases, the capital must be used. Here are the rules for their use. First rule is the first letter of the first word of a sentence. The first letter of the word of a sentence मतलब किसी भी sentence का first word का जो first letter होगा वो capital होगा. तो एक example देखते हैं. The postman has come. ये सारे small में लिखे हैं इस sentence में. और इसका first word क्या है? The का first letter T. तो T हो गया capital में. He has bought parcel for us. तो ये second sentence हो गया. इस sentence में full stop लगा तो sentence खत्म. इसमें इस sentence का पहला word क्या है? He. तो he का पहला letter H हमने लिखा है capital में. The second rule is to use the capital. The first letter of a proper noun. तो proper noun का जो first letter होगा वो होगा capital में. प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं या वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सिटी मींस प्लेस रिवर थिंग किसी पर्सन का नाम होता है पर्टिकुलर. फॉर एग्जांपल एग्जांपल आगरा. ये सेंटेंस में कहीं भी ये सेंटेंस में कहीं पर भी आएगा तो इसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल ही होगा.
मंडे, ये भी वर्ड जहां भी होगा, ये प्रॉपर नाउन जहां भी यूज होंगे उसका पहला लेटर जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा आपका। और किसी मंथ का नाम ले लेते हैं जुलाई, ये भी होगा कैपिटल में। और इसका सेंटेंस बना के देखते हैं, जुलाई इज द सेवेंथ मंथ ऑफ द ईयर। अब यहां पर जुलाई तो फर्स्ट में आ गया, और किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो ये तो ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हम लिखते हैं, द सेवेंथ मंथ ऑफ द ईयर इज जुलाई। अब ये लास्ट में आ रहा है, तो सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है तब भी ये इस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल ही होगा। ये भी कैपिटल्स लिखने का रूल होता है। द थर्ड रूल इज द फर्स्ट लेटर ऑफ कोटेशन कोटेशन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, बुद्ध से यहाँ पे जो नो है उसका के, क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है, फिर भी नो योर सेल्फ कोटेशन है, ये कोटेशन है, तो इसका जो के है ये के, ये कैपिटल होगा। एंड द फोर्थ रूल इज, फोर्थ रूल क्या है चलिए देखते हैं, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ टाइटल, मतलब किसी को भी हम टाइटल देते हैं नाम के आगे, तो वो क्या होगा, उसका फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, वीर चक्र लॉर्ड क्लाइव, इसका पहला लेटर होगा कैपिटल, क्योंकि ये टाइटल है। फिफ्थ रूल इज द, फिफ्थ रूल इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन ऑफ अ वर्ड्स, द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन
मतलब वर्ड्स मतलब पोयम, जो हम पोयम हृदय में लिखते हैं उसकी जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो जो हम वर्ड्स जो पोयम लिखेंगे उसका फर्स्ट, उस पोयम की फर्स्ट सारी एवरी लाइन, यहाँ लिखा है एवरी लाइन मतलब उस वर्ड्स की एवरी लाइन का जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। सिक्स्थ रूल इज द प्रोनाउन आई, द प्रोनाउन आई एंड द इंटरजेक्शन ओ। यहां भी ये प्रोनाउन आई और इंटरजेक्शन ओ का यूज होगा वो लिखा जाएगा कैपिटल में। एग्जाम्पल इट इज आई सर, भले ये सेंटेंस के बीच में आया हो लेकिन ये प्रोनाउन आई हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल ओ का देख लेते हैं। पार्डन मी, ओ गॉड, तो ये भी बीच में आया, ये भी कैपिटल में होगा। लेट्स सी स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स इंग्लिश लेटर रिटन इन द स्मॉल फॉर्म आर कॉल्ड लेटर्स और स्मॉल्स, स्मॉल लेटर्स और स्मॉल्स। सो लेट्स सी व्हाट आर स्मॉल लेटर्स और हाउ द लेटर्स आर रिटन इन स्मॉल फॉर्म। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो दीज आर स्मॉल लेटर्स मीन्स अल्फाबेट्स रिटन इन स्मॉल फॉर्म। सो लेट्स रिवाइंड वंस अगेन द अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स आर द सेट ऑफ 26 लेटर्स, 26 लेटर्स यूज टू राइट द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ईच इंग्लिश लेटर इज रिटन इन टू डिफरेंट फॉर्म्स मीन्स इन लार्ज फॉर्म
एन स्मॉल फॉर्म मीन्स ए और ए एंड दीज लार्ज फॉर्म्स आर कॉल्ड कैपिटल्स एंड दीज स्मॉल फॉर्म्स आर कॉल्ड स्मॉल्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।